Welcome to Anthro International. Uh, so, we were discussing early hominids in our previous uh, sections. We have discussed Australopithecus afarensis. एफ्रीकाना एंड बहरल गज़ाली तो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एज़ पर आवर्स गिवन सिलेबस तो हमारे सिलेबस में जो भी बाकी सब एस्ट्रोलोपैथिक्स के स्पीशीज़ थे वो हमने बस नाम याद रखने हैं या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सप्लेन हमने तीन ही किए जो सिलेबस में दिए हैं इसके बाद हमारी आती है पैरेंथ्रोपस तो पैरेंथ्रोपस के तीनों uh, तीन स्पीशीज़ है और तीनों के तीनों हमें डिस्कस करने पड़ेंगे ये सारा कुछ हम कर रहे हैं एज पर आवर नेट रेप्सेल्बस एंड यूपीएसी में भी ये सब कुछ पढ़ना है। सो अर्ली होमोनेट में पेरेंथ्रोपस बोसेल को आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा कि अस्ट्रोलोपेथिसिन में दो डिवीजन हमें देखें, अस्ट्रोलोपेथिकस एंड पेरेंथ्रोपस। ये आपस में डिफरेंस इनकी क्या है? One is in gracile, gracile form and another is in रोबस्ट फॉर्म तो उस बिहाबार पे पैरेंथ्रोपस और रोब ऑस्ट्रेलोपैथिकस को अलग अलग किया गया है तो फिर हमने देखा ऑस्ट्रेलोपैथिकस के सात स्पीशीज़ हैं जिनमें हमने तीन को डिस्कस किया और चार को एग्ज़ाम में डिस्कस ही नहीं करना था सिलेबस में तो हमने उनको छोड़ दिया तो इन पैरेंथ्रोपस वी हैव टू डिस्कस ऑल द थ्री स्पीशीज़ तो अस्ट्रोलोपैथिसीन का जो है इसमें पहले आता है कौन अस्ट्रोलोपैथिकस और पैरेंथ्रोपस इसके सात स्पीशीज और इसके तीन स्पीशीज़ हैं तो इन तीन स्पीशीज़ में पैरेंथ्रोपस रोबस्टस पैरेंथ्रोपस बोजे और पैरंथ्रोपस एयोपैथिकस आज के लेक्चर में हम पैरेंथ्रोपस रोबस्टस को डिस्कस करेंगे तो पैरा व्हाट इज पैरेंथ्रोपस वर्ड क्या मतलब है पैरा मीन्स पैरा इज़ एक्चुअली ग्रीक वर्ड इट मीन्स नियर और बिसाइड्स इसका मतलब है कि ये नज़दीक है जो ह्यूमस के हैं पैरा मीन्स नियर और बिसाइड्स या बिसाइड ये एक लेटिन वर्ड है एंथ्रोपस क्या है एंथ्रोपस ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है जिसका जिसको uh, हम बोलते हैं uh, बोलते हैं मैन तो मैन के नज़दीक नियर मीनस नज़दीक या बिसाइड्स uh, तो उसी के इंसान के नज़दीक एक स्पीशीज़ पाई गई जिसे जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान से मिलते जुलते थे तो ह्यूमन्स से मिलते जुलते थे उसको नाम दिया गया पैरन नियर स्पीशीज टू ह्यूमन होूमंस और और सेपियंस रोबस्टस रोबस्टस का क्या मतलब होता है रोबस्ट इज़ एक्चुअली लेटिन वर्ड लेटिन वर्ड।, वर्ड का जो ये है रोबस्ट मीनिंग इसका है स्ट्रॉन्ग सो तो, पैरथ्रोपस इज a स्पीशीज़ है दैट इज़ रिजम्बलिंग दैट इज़ नियर टू होमोसिपियंस एंड इज़ इन रोबस्ट फॉर्म ये अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग देखेंगे तो ये इसकी ये मीनिंग है तो देन इन नाइनटीन थर्टी एट फर्स्ट फोसल वेयर डिस्कवर्ड ऑफ पैरेंथ्रोपस जीन्स इन क्रोमद्राई हिल साइट इन साउथ अफेरिका साउथ अफेरिका के एक हिल साइट पे नाइनटीन थर्टी एट में हिल साइट पे इनके फोसल्स पहले डिस्कवर हो और डिस्कवर हो गए कि इनके पैरेंथ्रोपस जीन्स के पहले डिस्कवर हो गए 1938 में क्रोम ड्राई हिल्स हिल्साइट्स पे जो कि कहाँ पे है साउथ अफ्रीका में तो जब ये वहाँ पे ये फोसल फ्रेगमेंट्स मिले तो दे वेर शोन टू द रॉबोर्ट ब्रूम वहाँ पे जो फोसल्स मिले क्रोमद्राई हिल साइट्स पे तो वो रॉबर्ट ब्रूम को दिखाए गए एंड व्हाट ही डिड रॉबर्ट ब्रूम क्या ने जब ये फोसल्स देखे वो आके फिर से वापस आ गया और एक्सकवेशन स्टार्ट की इन क्रोमद्राई हिल साइट पे तो वहाँ पे उसको और सक, आ, कुछ फोसल्स मिले तो उससे उसने क्या कंक्लूड किया ही केम टू कंक्लूजन दैट इट वॉज़ न्यू स्पीशीज़ ये एक नई स्पीशीज़ थी एज़ इट हैज़ द लार्जर प्रमोलर मोलर टीथ एंड सॉरी टीथ एंड वेरी रोबर्स जा एंड गिव्स इट द नेम ऑफ पैरेंथ्रोपस रोबस्टस तो जब ब्रूम को एक्सकेवेशन के दौरान किसी को फोसल्स मिले तो उन्होंने क्या किया उन्होंने ब्रूम को दिखा दिया तो रॉबर्ट ब्रूम वापस आके खुद एक्सकेवेशन कर रहा है फिर क्रमद्रा हिल साउथ अफ्रीका में तो वहाँ पर उसको और फोसल्स मिलते हैं जिनके बिना पे वो कंक्लूड करते हैं कि हमें एक नई स्पीशीज़ मिली है जिसका नाम है पैरेंथ्रोपस रोबस्टस बिकॉज जो वहाँ पे फॉसिल्स मिले थे दे वर लार्ज मोलर एंड प्री मोलर जो टीथ थे वो दोनों लार्ज थे एंड जा पार्ट मिला था दे ऑल वेयर लार्ज एंड रोबस्ट फॉर्म सो ही केव इट एन नेम पैरेंथ्रोपस रोबस्टस एक ऐसी स्पीशीज़ के फोसल्स मिले जो नज़दीक नियर जो uh, रिजम्बल करते हैं होमोसेपियंस के साथ बट दे आर इन रोबस्ट फॉर्म वेरी हार्ड वेरी स्ट्रोंग लेटर एडल्ट अडल्ट स्कल वॉज डिसकवर्ड इन स्वत क्रांस केव साउथ अफ्रीका इन नाइनटीन फिफ्टी ए सॉरी नाइनटीन फिफ्टी अपर चा लोअर चा एंड राइट हाफ एडल्ट पेल्विक वॉज आल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम द साइट तो उसके बाद जब ये क्रोमद्रा हिल्स में एक्सकीवेशन हुई वहाँ पे जो ये रोबस्ट फॉर्म में जो फोसल्स मिले उसके बाद और एक डिस्कवरी हुई 1950 में वो कब हुई थी 1938 में अब 1950 में फिर से मिल मिलता है वहाँ पे फोसल साउथ अफ्रीका के ही दूसरी साइट पे स्वत क्रांस में जहाँ पर हमें मिलता है लवरजा राइट हाफ ऑफ एडल्टल्विक एडल्ट पेल्विक जो है ए, है उसका राइट right हाफ मिलता है और एक लवर जा मिलता है तो उस बिना पे क्या आ, ए, ये अंदाज़ा लगा सक जाता है कि ये एक नई स्पीशीज़ है जो रोबस्ट फॉर्म है बट इसका स्कल खाली रोबस्ट फॉर्म है न कि लवर पार्ट जब पेल्विक पाया गया उसे पता चला कि नो रेस्ट ऑफ द बॉडी वाज नॉट इन रोबस्ट फॉर्म इट वाज ओनली स्कल विच वॉज इन रोबस्ट फॉर्म ओके तो पैरेंथ्रोपस रोबस्टस इज एन एग्जांपल ऑफ ए रोबस्ट एस्ट्रेलोपैथीसिन जो मैंने पहले बोला दैट वाज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द एस्ट्रेलोपैथिसीन स्पीशीज बट एस्ट्रेलोपैथीसिन जो है दे आर इन ग्रेशाइल फॉर्म वेल एज पैरेंथ्रोपस आर इन रोबस्ट फॉर्म सो दे वेयर कॉल्ड एज रोबस्ट एस्ट्रोलोपैथिसीन ओके दे हैड अ वेरी लार्ज मेगाडोंट जो अभी हमने बात की जो मोलर्स और प्रमोलर्स मिले थे दे वेयर वेरी लार्ज एंड चिक टीथ चिक टीथ मैगाड ची टीथ बड़े मोलर और प्रोमोलर मिले विथ थिक इनमल जो उनका इनमल भी था वो भी थिक था एंड फोकसिंग दर चीविंग इन द बैक ऑफ द जा तो लार्ज जायगोमेटिक आर्क्स चीक बोन्स अलाउड द पैसेज ऑफ लार्ज जम जिविंग मसल्स टू द जा एंड गिव रोबस्ट पैरन्थ्रोपस रोबस्टस इंडिजुअल दियर करेक्टरिस्टिकली वाइड डिस्क शेपड डिस्क शेपड फेस जो इनके चीक बोन्स थे चीक बोन्स ये हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीक बोंस है ठीक है ये भी क्या थे ये भी आ, लार्ज थे चीक बोन्स यहाँ से जो लवर जा था वो भी लार्ज था जो पीछे वाले टीथ्स थे प्रमोलर्स एंड मोलर्स वो भी स्ट्रोंग बड़े थे लार्ज थे तो लार्ज टीथ्स में लार्ज एनेमल भी जब पाया गया तो ये जो लावर जा था ये भी लार्ज था इसके साथ साथ ये अटैच जिसके साथ हो जा हो, हो जाएगा दैट इज़ चीक बोन्स ओबियसली वो भी स्ट्रोंग ही हो जाएंगी जिसके साथ ये इतना रोबस्ट फॉर्म वाला ये पार्ट अटैच होता है तो वो भी क्या स्ट्रॉन्ग ही था ये एक आर्क जब ये साइड में देखते हैं मैं नीचे वाली फिगर में दिखा दूँगी कि जैगोमेटिक आर्क जो है दे दैट वाज आल्सो वेरी लार्ज तो चिविंग मसल्स भी वेरी लार्ज थे जिनके साथ ये लवर जा अटैच था ठीक है तो इससे क्या हुआ था इससे जो इसकी शेप थी इसके चेहरे की दैट वॉज कैरेक्टरिस्टिकली वाइड शेप्ड फेस इसका जो फ़ेस था दैट वॉज़ शेप्ड आया समझ बिकॉज ऑफ दीज चीक लार्ज चीक बोन्स इन लार्ज चीक बोन्स क्यों थे बिकॉज इसका जो लवर जहाँ था वो लार्ज था वो कहीं ना कहीं इन लार्ज चीक बोन्स के साथ अटैच था जिसकी वजह से इसका फेस जो था दैट वॉज़ शेप्ड मोहिंग टू नेक्स्ट स्लाइड तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जहाँ पे हमें zygomatic आर्क यहाँ पे देखने को मिलती है तो ये zygomatic आर्क जो है ये भी चीक बोन्स भी लार्ज थे जिनके साथ ये यहाँ पे ये दिखा रहा है ये jaw अटैच होता है ठीक है तो ये भी आ, लार्ज थे ए लार्ज सजाइटल क्रस्ट सजाइटल क्रस्ट यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी सजेटल क्रस्ट ये आ, यहाँ पे सजेटल क्रस्ट भी था प्रोवाइडेड ए लार्ज एरिया टू एंकर दीज चिविंग मसल्स तो इन चिविंग मसल्स को बैलेंस रखने के लिए एंकर क्या होता है एंकर इज़ एक्चुअली टू फिक्स समथिंग मतलब किसी को हम बंद रखने के लिए ये करते होल्ड करने के फिक्स करने के लिए एक ये एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसने बोला सजेटल क्रस्ट वॉज डियर एज एन एंकर एंकर था वहाँ पे वो जिसकी वजह से ये चिविंग मसल्स इसके साथ अटैच जो ये बैलेंस में रखता था इन चिविंग मसल्स को और लवर जाके जो इन पर मसल्स फिर हो जाएंगे नहीं तो ये बारी हो हो सकता है तो इनको बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे सजेटल क्रस्ट था These adaptations provided robust parenthropus robustus with the ability of grinding down tough fibrous foods. So ye adaptation, you physical characteristics say Joe jo paranthropus robustus. He was adapted to uh, to, uh, to grind टफ फूड्स वो ताकि उससे क्या होता था जब ये इसका क्रस्ट क्लस्टर लार्जविंग मसल्स या चीक बोन्स लार्ज जाता इसकी वजह से ही वाज एबल ही वाज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग दिस टफ फूड्स और जो भी बहुत सख्त ये हार्ड नट्स वगैरह थे वो ये आराम से क्रश ग्राइंड कर सकता था अपनी इन लार्ज लार्ज uh, uh, जो रोबस्ट फॉर्म जा और टीथ की वजह से इट्स नॉट नोन दैट रोबस्ट रेफर सोलोली टू द टीथ टूथ एंड फेस साइज नॉट टू द बॉडी साइज जो मैंने पहले भी बता दिया कि जो ये रोबस्टिक स्ट्रक्चर था दैट वाज ओनली इन स्कल ठीक है बाकी बॉडी में रोबस्टिक नहीं थी इट वॉज टूथ एंड फेस साइज दैट वॉज रोबस्ट बट नॉट द रेस्ट ऑफ द बॉडी जो पैरेंथ्रोपस का मैंने बोला मीनिंग बिसाइड्स मैन या नियर मैन हम कह सकते हैं नियर इज़ एक्चुअली लेटिन वर्ड सॉरी पैरा जो है दैट इज एक्चुअली ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है नियर ओके ऑन टू नेक्स्ट तो ये हमारे यहाँ पे जीन्स का ये सर्जेटल क्रस्ट दिखा रहा है ये लार्ज चिविंग बोन्स है चिविंग आग से और इसके साथ लार्ज ये अटैच हो सकता है लावरजा सो so, ओवरव्यू हम देखेंगे 1938 में इसकी डिस्कवरी हुई कहाँ पे क्रोमद्राई हिल्स में कहाँ पे है ये साउथ अफ्रीका में कहाँ पे रहा करता था ये साउथ अफ्रीका में क्योंकि हमें हमें इसके फोसल साउथ अफ्रीका में मिले तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये साउथ अफ्रीका में ही रहता था कौन पैरेंथोपस रोबस्टस वट वॉज द टाइम पीरियड वन टू वन मिलियन ईयरस एगो तो इसकी जो हाइट थी मेल में थ्री फीट नाइन इंच थी और फीमेल्स की थी थ्री फीट थ्री इंच हम हम जो इंसान के आ, का स्टेचर है इंसान की जो हाइट है उससे छोटी वेट जो था इसका फिफ्टी फोर के जी मेल्स का और फोर्टी के जी था फीमेल्स का तो हाउ दे सर्वाइव पैरेंथरोपस रोबन रोबस्टस हैड लार्ज टीथ जो हमने अभी बोला कि इसकी अडाप्टेसन उस अकॉर्डिंग हुई थी जो इसके लार्ज टीथ थे लार्ज मसल्स थे चिक बोन्स थे जिसकी वजह से ये हार्ड फूड्स को भी ग्राइंड कर सकता था तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसके लार्ज टीथ एज वेल एज रिच ऑन द टॉप ऑफ द स्कल वेयर स्ट्रॉग चिविंग मसल्स अटैचड दीज फीचर्स अलाउड इंडिविजुअल्स टू क्रश एंड ग्राइंड हार्ड फूड सच एज़ नट्स जिससे ये क्या कर सकता था हार्ड फूड्स को खा सकता था लाइक like उनको ग्राइंड कर सकता था इज़िली खाने के लिए जैसे नट्स थे सीड्स थे रूट्स थे या ट्यूबर्स थे तो जिसकी वजह से हाउ एवर रोबस्टस डिड नॉट जस्ट ई टफ फूड्स लेकिन हम ये भी बता रहे हैं कि साथ ही साथ ये खाली हार्ड फूड्स को नहीं खा सक खाता था बल्कि ये इसके अलावा सॉफ्ट फूड्स बाकी सब फूड को भी खाता था दिस अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ में हैव बीन मोर ऑफ एन डूनलिस्ट डाइट्री जर्नलिस्ट क्या होता है दैट मीन्स की द पर्सन द स्पीशीज हु कैन ईट वैराटी ऑफ फूड लाइक होमोसिपिय ह्यूमंस वी आर इटिंग वेराटी ऑफ फूड वी आर इटिंग सॉफ्ट फूड वी आर इटिंग हार्ड फूड वी आर इटिंग वी आर डाइट्री जर्नलिस्ट सिमिलर् जो ये पैरेंथ्रोपस रोबस्टस था रोबोस्टस था ही वॉज आल्सो डायट्री जर्नलिस्ट ही वॉज ईटिंग जो हमने ऊपर बोला कि ही वॉज ईटिंग हार्ड फूड बट साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि ही वॉज ईटिंग अदर टफ फूड्स एज वेल एंड आल्सो ईटिंग वेराइटी ऑफ अदर फूड सच एज सॉफ्ट फ्रूट सॉफ्ट फ्रूट्स भी खाता था पॉसिबली यंग लीव्स इंसेक्ट्स एंड मीट he was eating leaves also insects and meat so jab wo hard food leaves insects meat that means he was dietary generous, generalist like humans okay so while scientists have not found any stone tools associated with paranthropus robustus experiment and microscopic studies of bone fragments show that these early humans probably used bones as tools to dig in termites टर्माइट मोन्ट्स तो अभी साइंटिस्ट uh, इतना कंप्रहेंड नहीं कर पाए कि क्या पैरेंथ्रोपस रोबस्ट्स स्टोन टूल का यूज कर सकता uh, करता था बट थोड़े uh, कुछ एक्सपेरिमेंट्स और माइक्रास्कोपिक स्टडी से ये पता चल रहा, चला है कि बोन फ्रेगमेंट्स की जब माइक्रास्कोपिक स्टडी और एक्सपेरिमेंट्स उन पर हुए हैं तो पता चला है कि प्रोबेबली ही वॉज यूजिंग बोन टूल्स प्रोबेबली ही वॉज यूजिंग नॉट श्योर ही वॉज प्रोबेबली यूजिंग बोन टूल्स क्यों टू डिग इन टर्माइट्स इंसेक्ट्स को निकालने के लिए शायद वो बोन टोल्स का इस्तेमाल कर रहा था बट स्टोन टोल्स का अभी तक कोई भी एसोसिएशन नहीं मिला है पैरेंथ्रोपस के साथ Through repeated use, the end of these tools became rounded and polished. जब ये बार बार इन tools को use कर रहा था तो उससे वो कुछ मतलब थोड़ा सा लग रहा था इनमें वर्कशिप हुआ है but वो वर्कशिप नहीं था human वर्कशिप नहीं था उसमें नहीं हुआ था कोई काम बट वो रिपीट यूज़ की यूज़ करने की वजह से थोड़ा rounded लग रहे थे और पॉलिश लग रहे थे टर्माइट्स आर रिच इन टर्माइट्स का यूज़ ये इसलिए कर रहे थे बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन्स एंड वुड हैव ए न्यूट्रिशस सोर्स ऑफ फूड फॉर पैरेंथ्रोपस पैरेंथ्रोपस के लिए वो एक न्यूट्रिशस सोर्स था एक गजा का कॉन्टरमाइट्स इंसेक्ट्स फ्राम नाइनटीन फोटी थ्रू नाइनटीन सेवेंटी लॉट ऑफ डिबेट वाँ नाइनटीन फोर्टीज़ टू नाइनटीन सेवेंटीज़ में क्या हुआ बहुत सारे डिबेट्स हुए रिलेटेड टू दिस स्पीशीज़ वेदर इट इज़ द मेल मेल्स जेंडर ऑफ ऑस्ट्रोलोपैथिकस अफ्रीकानस पहले कुछ साइंटिस्टस ये मानते थे कि ये मेल पा मेल है ऑस्ट्रोलोपैथिकस अफ्रीकानस का कौन पैरेंथ्रोपस रोबस्टस बट इवेंचुअली ये पता क्योंकि हमें भी पता है कि अगर एक ही स्पीशीज़ का मेल फीस फीमेल होगा तो उतनी फर्क नहीं होती हां फर्क होती है फीमेल के फिजिकल बॉडी में और मेल के मेल में बट उतनी डिफरेंस नहीं होती है जितना ऑस्ट्रोलोपैथिक सॉरी जितना ऑस्ट्रोलोपैथिकस और पैरन्थ्रोपस में पाए गए जो रोबस्ट फॉर्म इतनी रोबस्टनेस नहीं पाई मतलब इतनी डिफरेंस नहीं होती है तो पहले जो मानते थे कि ये आ, मेल है अ, मेल जेंडर है ऑस्ट्रोलोपैथिकस अफ्रीकानस का लेकिन फिर इवेंचुअली क्या हुआ साइंटिस्ट्स ने और जो स्पीशीज डिस्कवर की उसके बाद व्हाट दे से इवेंचुअली द दैट रोबस्ट फॉर्म वेयर डिफरेंट टू बी इन दियर ओन स्पीशीज ये अपनी एक ही स्पीशी में इतनी डिफरेंस नहीं होती है इतनी एक रिसाइल हो गए और एक रोबस्ट होगा ऑरिजिनली कार्डर्ड तो उन्होंने इसको नया नाम दिया इस स्पीशीज को ऑस्ट्रोलोपैथिकस रोबस्टस या पैरथ्रोपस रोबस्टस भी हम बोल सकते हैं क्योंकि एस्ट्रोलोपैथिकस के ही साथ ये रिजेंबल करता था बट दे वेर वन वाज ग्रेशल अनदर वाज रोबस्ट लेटर द थ्री रोबस्ट स्पीशीज़ फिर उसके बाद और रोबस्ट स्पीशीज़ जब डिस्कवर हुई एयोपैथिकस एंड बोजे तो उसे उसके बाद क्या हुआ एंड विकग्नाइज एज बीइंग डिफरेंट इन सो फिर इन तीनों को अलग रखा गया एयोपैथिकस बोजे और रोबस्टस को फ्रॉम अदर असट्रेलोपैथिसीन्स एंड सिमिलर इनफ टू ई ईच अदर क्योंकि ये डिफरेंट थे अस्ट्रेलियोपैथिसीस से और आपस में इनकी जो आ, आ, इनका जो स्ट्रक्चर था या इनका जो रोबस्टनेस था वो मिलता जुलता था कि इनका बोज़ है और रोबस्टस का तो इनको एक अलग नाम अलग जीन दिया गया पैरेंथ्रोपस जीन टू तो बी प्लेसड इन इन टू ए सेपरेट जीन दैट इज जीन पैरेंथ्रोपस कौन कौन एयोपैथिकस बोजे एंड रोबस्टस तो ये अलग फिर रखे गए आस्ट्रोलोपैथिकस के जो सात स्पीशीज़ हैं वो अलग रखे गए सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग टू पैरेंथ्रोपस तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे आ, अभी बोजे हमारा जो आ, आ, क्या था रोबस्टस आज का तो अगले लेक्चर में हम बोजे को इंक्लूड करेंगे आई विल ट्राई कि और उसी में हम एयोपैथिकस को भी कवर करें अगर शॉर्ट वीडियो बन सकता है देन वी विल डू अदरवाइज तो और लेक्चर्स में ये हम कवर करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इज ऑल फॉर टुडे आई होप यू लाइक इट इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप थैंक यू वंस अगेन